करनाल में किसान बिजली विभाग के कामकाज से इतना दुखी हो गया कि उसने ट्यूबवेल का ट्रांसफार्मर जिला सचिवालय के सामने ही फूंक दिया। करनाल के गांव श्यामगढ़ का रहने वाला जसविंदर इस बात से आग बबूला हो गया है कि उसके खराब ट्रांसफार्मर को ठीक करने के लिए विभाग के किसी भी अधिकारी और कर्मचारी ने कोई सुनवाई नहीं की। बस फिर क्या था, नाराज जसविंदर ट्रक पर ट्रांसफार्मर लाया, उसे जिला सचिवालय के सामने रखा और फिर उसमें आग लगा दी और ट्रैक्टर पर बैठकर जलते ट्रांसफार्मर को देखता रहा। ट्रांसफार्मर पड़े हुए ढाई महीने हुए, इफजीरी का टाइम आ गया, रास्ते बंद हो गए। ठीक, जिसके खेत में रास्ता उनने भी बेचारे ने जीरी लगानी, मैं फंसी ले उसमें जाकर। तो किसके पास गए थे आप शिकायत लेके? सारों के पास जा लिया, ये जो उनसे फोन मिला रहे हैं, सारों के पास जा लिया। सवेरे से लेकर 3 बजे तक बैठा रहा, उसके बाद मेरा सफर का बांध टूट गया। मैंने जो केस पाना पालो मेरे ऊपर, तो आग लगा दी आपने? हाँ, मैंने आग लगा दी, रस्सा भी फूंक दिया जिसे उतार के लाए थे। जसविंदर की इस हरकत की विभाग के अधिकारियों ने पुलिस को सूचना दी, जसविंदर को काबू में लिया गया, जलते ट्रांसफार्मर को बुझाया गया। आरोप है कि इसने ट्रांसफार्मर जलाने से पहले बिजली निगम कार्यालय में भी जमकर तोड़फोड़ की है। ये शामगढ़ का है कोई किसान, और अपने ट्रैक्टर ट्राली में ये ट्रांसफार्मर को लोड करके लाया था और यहाँ सेक्रेटरी के सामने रखे, इसलिए इसमें आग लगा दी। इसको पूछा तो इसने बताया कि ट्रांसफार्मर काफ़ी समय से खराब था और वहाँ बिजली बोर्ड में गया होगा तो वहाँ ठीक नहीं हुआ। अभी हमें पता चला है कि इसने वहाँ भी पावर हाउस में तोड़फोड़ की है। गलती विभाग की भी है कि उसने एक किसान की शिकायत को अनसुना कर दिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जिला सचिवालय के सामने ट्रांसफार्मर को आग लगा दी जाए। जसविंदर की ये करतूत गैर जिम्मेदाराना है, उसके इस कदम से लोगों की जान खतरे में भी पड़ सकती थी। करनाल से कवरजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।